जय श्री कृष्णा बच्चों। तो देखिए आज हम लोग, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर वर्क का कैलकुलेशन देखा था, कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स जैसा भी हो, तो हर तरह के वर्क का कैलकुलेशन देखा था। अब हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करने वाली एक थ्योरम होती है जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम, इसका नाम तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन इसका सही नाम होना चाहिए था वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करती है। वर्क जो डन होता है, जो भी वर्क होता है, वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम जो है, ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करती है। दिस थ्योरम रिलेट्स द वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी जो भी वर्क डन होता है और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बनाता है। ये थ्योरम क्या होती है मैं बता दूं आपको। कोई सिस्टम में मान लो उसके ऊपर 72 टाइप के फोर्स लग रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, पता नहीं क्या क्या लग रहा होगा। ठीक है, 50 टाइप के फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे। तो ये थ्योरम ये कहती है कि सिस्टम, जो भी सिस्टम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जो होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये डब्ल्यू ऑल होता है। डब्ल्यू ऑल का मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कोई भी जो सिस्टम है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का जो वर्क डन है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। किसी भी सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का जो भी वर्क होता है, वो फोर्स चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे जैसा भी फोर्स हो, उस सब का जो वर्क होता है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यू ऑल का मतलब, फिर डब्ल्यू ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम में यही आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यू ऑल का मतलब डब्ल्यू ऑल, यानी कि अगर हमने टोटल वर्क लिखा तो टोटल वर्क फिर यहां से वहां से जहां थे तहां से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से अंदर से बाहर से दहिने से बाएं से जहां से भी लग रहा है, उन सबसे सारे फोर्स आपको निकालने, एक भी फोर्स छूटा तो गलत। ठीक, एक भी फोर्स छूट गया, उसका वर्क छूट गया तो गलत हो जाएगा। तो के फाइनल मतलब फाइनल, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डब्ल्यू ऑल के बराबर है। और बहुत ऑब्वियस सी बात ही है, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, मैंने छोड़ा, तो जब मैं छोड़ा तो इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करेगा, ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ आएगा, तो ग्रेविटी वर्क करेगा तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और जितना ग्रेविटी वर्क करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी जैसे ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में एक मास हो सकते हैं, 1000 मास हो सकते हैं, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का जो नेट चेंज होता है वो सिस्टम के सारे फोर्सेस के वर्क के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी में जो नेट चेंज होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो मैं यहां पर इस बात को शब्दों में लिख रहा हूं, जो ये मैंने लिखा हुआ है शब्दों में लिख रहा हूं, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वर्क। जैसे न्यूटन्स लॉ में तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देखते थे, इंटरनल नहीं देखते थे, लेकिन वर्क में सब देखते हैं क्योंकि इंटरनल वर्क भी होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कही जाती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं और एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं, तो ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। और ये थ्योरम ये बताती है कि जितने भी सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, उन सबका मिला जुला के जितना भी काम हो रहा है, वो सारा का सारा काम, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है।
अब इसके अंदर एक बात यह आती है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये जैसे हमने लगाई, तो अगर मान लो कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी, एक बात ही आती है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर हो गया तो भी ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है, लेकिन बस उस समय आपको इतना सा ध्यान रखना होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो स्यूडो फोर्सेस लगते हैं उनका भी वर्क कैलकुलेट करना होगा। अगर आप इस थ्योरम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना चाहते हैं तो बिंदास लगाइए, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन जो आएगा उस स्यूडो फोर्स का भी वर्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये थ्योरम जो है वो हर टाइप के फ्रेम में एप्लीकेबल है। तो मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स, रेफरेंस फ्रेम्स, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स, बट फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, बट फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स द वर्क ऑफ स्यूडो फोर्स, वर्क ऑफ स्यूडो फोर्स should, the work of pseudo force should also be considered. This is applicable in all types of reference frame, but for non-inertial frames, the work of pseudo force should also be considered. अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको लगाना चाह रहे हैं तो बिंदास लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर स्यूडो फोर्स का वर्क भी कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर लगाना चाह रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फोर्स नहीं पता होता है लेकिन हम वर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हमें फोर्स नहीं पता है तो वर्क निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपके सामने मैंने रखी है, इस वर्क एनर्जी थ्योरम को हम सॉल्व करें और कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के हिसाब से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इसका मास है 1 kg और ये 10 मीटर की ऊंचाई से ये ब्लॉक छोड़ा गया, रेस्ट से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, नीचे पहुंचेगा, ठीक है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड The speed of the block just before it reaches the ground is 5 meters per second. Speed of the block just before it reaches the ground is 5 meters per second. Find the work done. Find the work done by air resistance. ब्लॉक को छोड़ा आपने रेस्ट से, ये नीचे आया, तो ये कह रहे हैं कि ये जब जमीन पर पहुंचता है ना, जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले जो इसकी वेलोसिटी होती है वो 5 मीटर पर सेकंड होती है, तो आपको एयर का जो रेजिस्टेंस है उसका वर्क निकालना है। 2 मिनट का पॉज लीजिए, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिए, मैं बताने जा रहा हूं, मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होता है अभी। देखिए, इसको मैंने यहां से छोड़ा, ये यहां से यहां आएगा, मैं इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहा हूं, यहां से यहां आएगा और यहां जस्ट जमीन पर पहुंचने से पहले वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो मेरी बनती है वो क्या बनती है, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑल। फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखूं इसकी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी
वन इंटू फाइव का स्क्वायर, इनिशियल जो होगी वो जीरो हो जाएगी, फाइनल जाएगी हाफ इंटू वन इंटू फाइव का स्क्वायर, इनिशियल जीरो हो जाएगी। और काम करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, काम करने वाले फोर्सेस के ऊपर mgh लगेगा, m1 है, g10 है और h भी 10 है। ग्रेविटी का ही वर्क है ना अकेला, और तो कोई वर्क है नहीं इसके ऊपर, इसके ऊपर वर्क जो है वो बस ग्रेविटी का हो रहा है, k फाइनल माइनस k इनिशियल w all, और प्लस एयर रेजिस्टेंस का भी वर्क हो रहा है जो कि हमसे पूछा गया है, हमें ये तो नहीं पता है। तो k फाइनल माइनस k इनिशियल w all करेंगे, ये ग्रेविटी का वर्क हो गया, ये रेजिस्टेंस का हो गया। अब यहां से अगर हम देखें तो 25/2 हो गया, तो एयर रेजिस्टेंस का जो वर्क आएगा वो आएगा 25/2 माइनस 100, तो ये बराबर जाएगा माइनस ऑफ 175/2 जूल, ये रेजिस्टेंस का वर्क आ जाएगा माइनस 175/2 जूल। एक सवाल ये देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बढ़िया सवाल है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई अगर करना सीखना है तो थोड़ा बढ़िया से इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल एक ब्लॉक है, यहां पर एक पुली है उसके ऊपर से रस्सी गुजर रही है, यहां पर एक दूसरी पुली है, ये रस्सी यहां बंधी हुई है, और ये एक ब्लॉक है जो 1 केजी का है, और ये जो ब्लॉक है ये 2 केजी का है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो 0.1 दे रखा है, 0.1 दे रखा है। ये ब्लॉक 2 केजी का है, ये ब्लॉक 1 केजी का है, पुली और रस्सी हल्की है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है। क्वेश्चन में बोला है सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द वन केजी ब्लॉक। सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा आपने, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द 1 केजी ब्लॉक एज इट डिसेंड्स बाय 1 मीटर। पूरे पूरे सिस्टम को हमने रेस्ट से छोड़ा, और रेस्ट से छोड़ने के बाद ये 1 केजी ब्लॉक की स्पीड बतानी है जब ये 1 मीटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 मिनट का समय लेंगे आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 मिनट का पॉज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन जो भी आता है फिर आरएस सर का सॉल्यूशन देखेंगे। मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अब। देखें, ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आएगा तो ये पुली भी 1 मीटर नीचे आएगी, और अगर ये पुली 1 मीटर नीचे आएगी तो 1 मीटर, जैसे मान लो पुली 1 मीटर नीचे आ गई तो 1 मीटर रस्सी इधर से खाली हो जाएगी, 1 मीटर इधर से, तो अगर ये वाली पुली 1 मीटर नीचे आएगी तो ये वाला जो ब्लॉक है ना वो 2 मीटर आगे जाएगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, कंस्ट्रेंट रिलेशन में बताया था कि भाई अगर ये पुली मान लो कि ये यहां से यहां आ गई है, यहां से यहां आ गई, तो 1 मीटर यहां से रस्सी खाली हो जाएगी, 1 मीटर यहां से, तो ये जो 2 मीटर रस्सी यहां से एंगेज हो रही है, 1 मीटर ये 1 मीटर, वो 2 मीटर यहीं तो यहीं पर तो आएगी, तो कुल मिला के अगर ये 1 मीटर नीचे आएगा तो ये 2 मीटर आगे जाएगा। या वर्क मेथड से T1.V1+T2.V3=0 से करके भी आप देख सकते हो कि अगर ये 1 मीटर चलेगा तो ये 2 मीटर चलेगा। कुल मिला के अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो इसका 2 मीटर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर लगाने जा रहे हैं। देखिए भाई, के फाइनल माइनस के इनिशियल डब्ल्यू वॉल, अब आप ध्यान से देखें तो इस सिस्टम के पूरे सिस्टम पर, एक साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, इस पूरे सिस्टम पे जितने टाइप के फोर्स अभी तक आपने मैकेनिक्स में पढ़े सब लग रहे हैं, यहां टेंशन भी लग रहा है, यहां नॉर्मल भी लग रहा है, यहां ग्रेविटी भी लग रही है, यहां फ्रिक्शन भी लग रहा है। रस्सी है तो टेंशन होगा, जमीन पे रखा है तो नॉर्मल लग रहा होगा, ग्रेविटी एमजी दोनों पे लगता ही हमेशा ही लगता है, और फ्रिक्शन भी लग रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो अब यहां पर जो भी डब्ल्यू वॉल में अगर आप देखेंगे तो एक तो ग्रेविटी लगेगा, एक टेंशन लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, इतने सारे फोर्सेस के ऊपर लग रहे होंगे, ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। अब मैं इन सबका वर्क निकालने जा रहा हूं, तो अगर ध्यान से देखें तो भाई सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही थी, इनिशियल जीरो थी, मैं मान ले रहा हूं कि फाइनली इसकी वेलोसिटी वी के बराबर हो गई, तो अगर इसकी वेलोसिटी वी के बराबर होगी तो इसकी 2v के बराबर होगी। तो अगर मैं पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 वी का स्क्वायर माइनस 0।
मैं पूरे सिस्टम पे लगा रहा हूं तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी मुझे, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू वन इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टू इंटू टू वी का स्क्वायर माइनस जीरो। ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ऑल। डब्ल्यू ऑल के अंदर, डब्ल्यू ऑल के अंदर क्या क्या आएगा? एक तो ग्रेविटी का वर्क। ध्यान से सोच के बताओ मुझे कि ग्रेविटी किस पे काम कर रहा है, इस पे कर रहा है या इस पे कर रहा है? तो ग्रेविटी तो बस इसी पे काम कर रहा है, इस पे लग जरूर रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो ग्रेविटी बस इसी पे काम कर रहा है। तो इस पे ग्रेविटी का वर्क जो आएगा वो mgh आएगा। ये एक मीटर नीचे आया था तो इस पे ग्रेविटी का वर्क आएगा mgh। m है 1, g है 10 और h जो है वो 1 है। मास इसका 1 kg है, g 10 है और ये एक मीटर नीचे आया। प्लस टेंशन फोर्स का ये आपको बता रखा है कि इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क जीरो आता है। तो पूरे सिस्टम पे टेंशन फोर्स का, हमें पूरे सिस्टम पे लगाई ना वर्क एनर्जी थ्योरम, तो पूरे सिस्टम पे टेंशन फोर्स का जो वर्क आएगा वो जीरो आएगा। इंटरनल नॉर्मल का भी टोटल वर्क जीरो आता है, तो पूरे सिस्टम पे जब आप नॉर्मल का वर्क लिखेंगे तो वो जीरो के बराबर ही आएगा। फ्रिक्शन का वर्क इस पे आएगा कि इस पे आएगा, जरा सोचो। बबू इस पे फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है ना, तो अगर इस पे नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क तो इसी पे आएगा। अगर फ्रिक्शन का वर्क इस पे आएगा तो इस पे फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा? माइनस म्यू एम जी इंटू एस। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। मैंने पहले भी बताया अगर ये एक मीटर नीचे आएगा तो ये 2 मीटर आगे जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एस, इसके बराबर जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3 v² / 2 प्लस 4v², तो ये 9v² / 2 हो जाएगा। 2 से 2 चला जाएगा ना, तो ये 4v² प्लस v² / 2, तो ये 9v² इज इक्वल हो जाएगा 10 0.2। म्यू की वैल्यू जो है वो 0.1 के बराबर थी, तो 0.1 × 10 जो होगा वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 10 - 4 आ जाएगा। 0.1 × 10 तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो गया, तो ये बराबर आ जाएगा 6, ये बराबर हो जाएगा 9v² / 2, 6 के बराबर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर जो होगा 12/9, तो v की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी √12/9 हो जाएगी। तो ये अगर देखें तो √4/3 ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक बड़ा क्लासी सवाल था वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने के हिसाब से। हम देख सकते हैं कि भाई पूरे सिस्टम पे हमने देख लिया कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है। कंस्टेंट से भी देख लिया कि ये अगर 1 मीटर चलेगा तो ये 2 मीटर चलेगा, अगर इसकी वेलोसिटी भी होगी तो इसकी 2 भी होगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, पूरा जैसे हर चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए खैर इसको। इसमें क्या है कि एक इस क्वेश्चन को करने का और तरीका है, क्योंकि अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अभी अभी आपने सीखी, न्यूटन्स लॉ पे आपने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, तो इसको न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं हम लोग। भाई हम इसका एक्सेलेरेशन निकाल लें, इसका एक्सेलेरेशन निकाल लें, फिर v² = u² + 2s लगा दें, ऐसा भी कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ से। लेकिन न्यूटन्स लॉ से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, मतलब भले आप न्यूटन्स लॉ में अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि पढ़ा आपने उसको है, लेकिन सही में ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही ये जो है वो जल्दी, अगर आपको निकालना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही जल्दी आएगा। ये वाला सवाल देखिएगा भाई, इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने थोड़ा सा इस बारे में आपको पहले भी बताया था, थोड़ा हिंट दिया था शुरू में, एक लड़का है बड़ी बढ़िया छलांग लगाता है, इंटरनेशनल है छलांग लगाने में, लड़के का मांस हेम है, ये इतनी शानदार छलांग लगाता है और ये जब ऊपर पहुंचता है तो एच हाइट ये ऊपर जा चुका होता है, इसका जो सेंटर मास है, लड़के का साइज हम हाइट के मुकाबले इग्नोर कर सकते हैं, लड़के का अपना जो साइज है, अपना जो आकार है, बहुत ऊंची छलांग लगाई ना इसने। तो अब इसमें लड़के का मांस हेम है, एच ऊंचाई तक गया ये और फिर एच ऊंचाई के बाद ये वापस आ गया, तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय द बॉय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क डन बाय द बॉय इन द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग जब ये लड़का ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द बॉय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग, जब ये लड़का ऊपर की तरफ छलांग लगा रहा है उस समय लड़के को कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब क्या है कि लड़का जब ऊपर की तरफ छलांग लगा रहा है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर लड़का जैसे आप छलांग लगाते हो, मान लो ऐसे आपने छलांग लगाई, तो छलांग आप लगाओगे, तो आप अगर छलांग लगाओगे तो इसमें वर्क जो होगा वो तो आपका ही होगा। तो अब इसके अंदर क्या है कि जब लड़का ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं वर्क एनर्जी लगा देता हूं। यहां पर मैं लड़के की बॉडी के इंटरनल फोर्सेस का पता नहीं है कि कितने लग रहे हैं, लेकिन वर्जिनी थ्योरम ऐसी खूबसूरत थ्योरम है जो बिना फोर्स के उसका वर्क दे देती है। कई बार फोर्स हमें नहीं पता होता है लेकिन उसका वर्क दे देती है। जैसे यहीं पे देखिए, के फाइनल माइनस के इनिशियल डब्ल्यू ऑल, डब्ल्यू ऑल में कौन कौन फोर्स होगा, एक तो ग्रेविटी का वर्क होगा, एक बॉडी के इंटरनल फोर्सेस का होगा और एक नॉर्मल का भी वर्क हो सकता है, नॉर्मल फोर्स का भी। लेकिन नॉर्मल का वर्क मैंने आपको पहले भी बताया था जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, जब लड़का जंप लगाएगा तो जब जंप लगा रहा होगा तो जिस जगह यानी उसके जूतों पे नॉर्मल लग रहा होगा तो जूते जो है वो रेस्ट पे होंगे, बाकी पूरी बॉडी जा रही होगी, और जैसे ही नॉर्मल लगना बंद होगा जूते हवा में आ जाएंगे। तो जब नॉर्मल लग रहा था तब तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था उस जगह का जहां नॉर्मल लग रहा है, और जब उस जगह का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नॉर्मल लगना ही बंद हो गया। तो यहां पर नॉर्मल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। तो अगर नॉर्मल फोर्स कोई वर्क यहां पर नहीं करेगा, ठीक है, तो नॉर्मल का वर्क जीरो हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगी। और जब वो लड़का जंप करना स्टार्ट किएगा तो ऐसे होगा और फिर एकदम से अपने अंदर एनर्जी भरेगा। तो जब वो जंप करना स्टार्ट करेगा एकदम शुरुआत में, तो उस समय भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। कुछ समय के बाद आएगी ना काइनेटिक एनर्जी, तो उस समय एकदम शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो होगी, ठीक है, जब ये जंप करना स्टार्ट करेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो होगी। तो जीरो माइनस जीरो, काम करने वाले फोर्सेज में ग्रेविटी का वर्क आएगा माइनस एमजीएच, इंटरनल फोर्सेज का वर्क हमें पता नहीं है, नॉर्मल का जीरो हो ही चुका है। तो लड़के की बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेस का वर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू एमजीएच। लड़के की बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनका जो वर्क होगा वो एमजीएच के बराबर हो जाएगा। एक और सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है, बड़ा बढ़िया सवाल आता है। वही लड़का है, इस बार वही लड़का है जो बहुत तगड़ी छलांग लगाता है, इस बार इसको दीवार फांदने का काम दे दिया गया। जाओ भाई तुम दीवार फांदो, ठीक है, हाई जंप का खेल नहीं होता है इसके अंदर रस्सी बांध देते हैं आदमी छलांग लगा के उस पार जाता है, तो उसी टाइप का है कि ये लड़का जो है ये बड़ी शानदार छलांग लगाता है, पहले भी मैंने बताया था। और जब ये छलांग लगाता है ना तो बिल्कुल ऐसे गुजरता है यहां से, ऐसे बिल्कुल टच होते हुए, बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि चोट लगे इसे, इस तरह से गुजरता है। और ये जो डिस्टेंस है इसको h मान रहा हूं मैं, इसको भी h मान रहा हूं, और जो टावर की हाइट थी वो भी h है। टावर की जो हाइट है वो भी h के बराबर है, ये डिस्टेंस भी h है, ये भी h के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद लड़का यहां से जंप लगाया, जंप लगा के लड़का इस जगह पे आकर के गिरा, ठीक है। अब इस जगह पे आकर के गिरा तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस, बाय द इंटरनल फोर्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग। फाइंड द वर्क डन बाय द बाय इंटरनल फोर्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग। जब ये जंप लगा रहा है उस समय आपको इंटरनल फोर्सेस का वर्क बताना है, ठीक है। पॉज लीजिए चार मिनट का, उसके बाद आरएस का सॉल्यूशन देखिए। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस हमको लगाना है, मैं अपना सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टार्ट, ठीक है, मैं अपना सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे ये लड़का जो है ये छलांग लगा के जब यहां से यहां पहुंच रहा है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि जब ये जंप करना स्टार्ट करता है उस समय, मतलब जब बिल्कुल एकदम जंप करना स्टार्ट करता है और जब यहां से यहां पहुंच जाता है, इस जगह से इस जगह पहुंचता है, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल डब्ल्यू ऑल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूं कि ये यू वेलोसिटी से जंप कर रहा है, तो फाइनल काइनेटिक, अच्छा यहां पे अगर ये एंगल थीटा मान लू मैं, ठीक है, एंगल दिया नहीं है, अगर मैं इसको थीटा मान लू और जिस वेलोसिटी से उछला है उसको यू मान लू, तो प्रोजेक्टाइल में हाइएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी हाफ इंटू एम इंटू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो ही है, जब ये जंप करना स्टार्ट किया
सारा खेल बस यहां से यहां तक ही होता है, उसके बाद तो जब हवा में आ गया तो पत्थर हो गया। तो जब इसने जंप करना स्टार्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और फिर जब हवा में आ गया तब कोई ना वर्क थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो वर्क तो सिर्फ यहां से यहां तक होता है, उसके बाद तो एक पत्थर की तरह जाता है और दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। तो खैर इस जगह पे इसकी स्पीड यू कॉस थीटा हो जाती है प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर, और इनिशियल जो है वो जीरो थी। काम करने वाले फोर्सेज यहां पे कौन कौन काम करेगा, ग्रेविटी का वर्क करेगा, उसके अलावा बॉडी के इंटरनल फोर्सेस करेंगे, और तो कोई है नहीं काम करने के लिए। ग्रेविटी का वर्क आएगा और बॉडी के इंटरनल फोर्सेस का वर्क आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जीरो। ग्रेविटी का वर्क जो आएगा, अगर ये यहां से यहां तक जा रहा है तो ग्रेविटी का जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताए बोले सोचे। अच्छा बोल नहीं सकते सोचे, ठीक है, ऑनलाइन में आप बोल नहीं पाओगे मुझसे, यूट्यूब पे तो खैर कमेंट कर ही सकते हो। तो बोले तो ग्रेविटी का वर्क चूंकि यहां से यहां जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आएगा माइनस mgh प्लस लड़के की बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका वर्क है। नॉर्मल का वर्क तो जीरो होगा, ये अभी बताइए मैंने आपको, जंपिंग के दौरान जिस जगह पे नॉर्मल लगता है वो जगह रुकी रहती है, तो खैर नॉर्मल का वर्क जीरो ही आ जाएगा। अब कुल मिला के इंटरनल फोर्स का जो वर्क आया ये बराबर हो गया mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अपने पास ये u और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। u और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पर्याप्त जानकारी दे रखी है, कैसे, इसकी मैक्सिमम हाइट दे रखी है और रेंज भी दे रखी है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g h के बराबर है ना? तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2gh। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 2gh के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे h बाई r, मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, थीटा की जरूरत यहां आ रही है, ठीक है, थीटा की जरूरत आ रही है, तो थीटा हम ऐसे निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में एक रिलेशन था, ये आप याद करें, प्रोजेक्टाइल में मैंने ही पढ़ाया था आपको, h बाई r इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, ये रिलेशन आपको बताया था। तो अब h बाई r tan थीटा बाई 4 के बराबर है, तो मैक्सिमम हाइट h है और रेंज 2h है, तो यहां से जो tan थीटा आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, tan थीटा 2 के बराबर आ गया। अच्छा tan थीटा 2 के बराबर आ गया, तो अब ट्रिग्नोमेट्री से sin थीटा निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां थोड़ा स्पेस है, जैसे मान लीजिए tan थीटा 2 आ गया, tan थीटा 2 आने का मतलब हाइट 2 होगी, बेस 1 होगा, तो ये कितना होगा रूट 5 होगा। अगर tan थीटा 2 आ रहा है तो इसका मतलब हाइट 2 आ जाएगी, बेस 1 हो जाएगा और ये रूट 5 हो जाएगा, तो यहां से sin थीटा कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5, तो ये sin थीटा की वैल्यू 2 अपॉन रूट 5 आ गई, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2gh। अब वो u स्क्वायर की वैल्यू मैं उठा के यहां रखूंगा, तो ये हो गया mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हाफ एम यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे रखनी थी, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5gh बाई 2। यहां से अगर देखिए तो यू स्क्वायर जो होगा वो 5gh बाई 2 हो जाएगा, 5gh बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होगा 1 बाई रूट 5 होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, और ये mgh बाई 4 प्लस mgh, तो ये आ जाएगा 5mgh बाई 4, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये 5mgh के बराबर 4, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर ले। एक बात अभी अभी वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने बताई कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर टाइप के फ्रेम में वो है वैलिड है, चाहे इनिशियल फ्रेम हो चाहे नॉन इनिशियल फ्रेम हो। तो एक सवाल इसके अंदर मैं ऐसा कराना चाहता हूं आपको जिसमें एक नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये गाड़ी है, हाँ गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है इससे एक रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, और गाड़ी जो है शुरू में तो रेस्ट पे थी, हाँ अचानक से ये गाड़ी ई एक्सेलेरेशन से मूव स्टार्ट कर देती, मूव करना, द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन, कार्ट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन स्मॉल ए, फाइंड द
मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग. सब कुछ रुका हुआ था, ये सब कुछ रुका हुआ था, एकदम झटके से गाड़ी ए एक्सेलेरेशन से चल पड़ी, एकदम झटके के साथ ए एक्सेलेरेशन से चल पड़ी, तो आपको बताना है कि इसमें कितना मैक्सिमम एंगल ये गाड़ी रोटेट करेगी. झटके से अगर ये चल पड़ी तो मैक्सिमम कितना एंगल ये गाड़ी रोटेट करेगी, ये आपको पता लगाना है. तो कितना एंगल रोटेट करेगी इसका पता लगाने के लिए, अब ध्यान से देखें, अगर ये गाड़ी चल पड़ी, मेरा ऑब्जर्वर तो भाई गाड़ी के अंदर से ही देखेगा ना, तो अगर मेरा ऑब्जर्वर जो है वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो ये फ्रेम कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये एक्सेलेरेट कर रही है गाड़ी. तो अब अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए हमें स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा. तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम देखें तो जैसे शुरू में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, नीचे एमजी लगेगा, पीछे की तरफ स्यूडो लगेगा, एमजी लगेगा, पीछे की तरफ स्यूडो लगेगा. इस स्यूडो के कारण ये गाड़ी रुकेगी, मतलब ये रस्सी आगे जाएगी. और मान लेते हैं कि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जहां भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां फिर रुक जाएगा भाई, ये ऐसे जाएगा गाड़ी के रिस्पेक्ट में, चलता जाएगा चलता, जहां रुकेगा फिर वहीं से वापस लौटेगा. तो मान लेते हैं कि यहां आकर के इस जगह आकर के रुक गया ये, ठीक है. पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, दो चार मिनट का पॉज लेके सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा. खैर, तो ये यहां वी इक्वल टू जीरो से यहां से चला, जहां रुक जाएगा वहीं से लौटेगा, तो यानी जहां रुकेगा वहीं मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. मैं यहां से यहां तक वर्क एनर्जी लगाता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क एनर्जी अगर मैं लगाऊं, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल डब्ल्यू ऑल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसकी, इनिशियल भी जीरो है, क्यों, शुरू में भी रेस्ट पे था, फाइनली जहां रुकेगा वहीं से तो वापस आएगा, तो इनिशियल भी जीरो है. काम करने वाले फोर्सेस में एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, एक ग्रेविटी काम करेगा, और अगर टेंशन काम करे तो टेंशन भी लिख दिया मैंने, तो टेंशन का वर्क हो जाएगा. अब मैं इन तीनों फोर्सेस का वर्क निकालता हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो जीरो है. अब स्यूडो फोर्स का वर्क देखो, स्यूडो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, एमए के बराबर है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स. पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है तो इस ये स्यूडो फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, यहां से यहां पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा. अगर ये एल है, रस्सी की लंबाई एल मानू, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल साइन थीटा, तो स्यूडो फोर्स का जो वर्क आएगा वो आएगा एमए इंटू एल साइन थीटा, ये स्यूडो फोर्स का वर्क आएगा. ग्रेविटी देखो नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर हो रहा है, यहां से यहां पहुंचा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे लगी यहां पहुंचा, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां पहुंचा यही डिस्प्लेसमेंट होगा इसका. अगर टोटल देखें ये एल है और ये एल कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ये जो दूरी आएगी वो आ जाएगी एल कॉस थीटा, ये एल आएगा, ये एल कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम से एम चला जाएगा, एक एल से एक एल चला जाएगा, और सॉल्व करने पर आएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू जी वन माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू जी वन माइनस कॉस थीटा. हम इसको सॉल्व करें, हो गया ए साइन थीटा जो है, अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी. साइन साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, तो साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और कॉस थीटा जो आता है, कॉस थीटा आता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यह आ जाएगा. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, वन से वन कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर ये टू आ जाएगा, तो ये हो गया टू ए, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, टू ए साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू टू जी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. हाँ, तो टू से टू चला जाएगा, साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू चला जाएगा, टाइन थीटा बाई टू जो आएगा इट विल बी इक्वल टू ए बाई जी. हाँ, इसका मतलब क्या होगा, थीटा बाई टू इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी. तो थीटा कितना आ जाएगा, टू टैन इनवर्स ए बाई जी, इसका आंसर आ जाएगा. तो ये टू टैन इनवर्स ए बाई जी के बराबर जाएगा.